फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो ये है कल का व्लॉग, मतलब संडे का। संडे की काफ़ी एक्साइटमेंट थी, सुबह सुबह जल्दी सारा काम स्टार्ट कर लिया है, सफाइयाँ हो गई हैं और साथ में ये देखिए रंगोलियाँ। हमारी दिवाली टू ये संडे आ गया, लेकिन एज इट इज़ हमारी रंगोलियाँ हैं। मतलब डॉगी भी आता है लेकिन आगे तक ऊपर नहीं आता है, ये सोच के कि क्यों जो है वो सुंदर सी रंगोलियाँ बच्चों ने बना रखी हैं तो क्यों ख़राब करनी। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता इनको अभी उठाने का। सो मैं सोचती हूँ जिस जब तक ये ठीक रहेंगी, लाइक ख़राब नहीं होते इनके कलर्स या फैलते नहीं हैं, बाई चांस किसी का पाँव नहीं आ जाता, तब तक मैं इनको एज़ इट इज़ छोड़ के रखूँगी। तो धूप अच्छी खिल रखी है आज, तो हमारे कपड़े वगैरह धो रखे हैं सुबह से ही, अब बज गए हैं 12। सो सोचा था कि बच्चे जो है मैच देखेंगे। सबको पता है संडे वाले दिन, मतलब कल जो था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट मैच। तो बस हमने भी काम वगैरह फिनिश कर लिए थे सारे, तो सोचा कि बच्चों को कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना के दूंगी। स्टेडियम में बैठते हैं तब भी तो स्नैक्स वगैरह खाते रहते हैं, है ना। तो सोचा वैसी फीलिंग कुछ घर में क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे दो टाइप की दालें मैंने भिगो रखी थी सुबह से ही, और अभी 12:15 का टाइम हो रहा है। सो एक है मूंग दाल, मतलब जिसको हम धुली मूंग बोलते हैं ना, वो वाली दाल है। उसको भिगो लिया मैंने 3-4-5 घंटे। और साथ साथ में है उड़द की दाल बिना छिलके वाली, मतलब भल्लों वाली। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है मूंग दाल को, और एक बर्तन मैंने इसको निकाल लिया है सेम इसी ग्राइंडर में बिना धोए। अब मैं इसी में जो है वो अपनी भल्लों की दाल, मतलब कि अपनी उड़द की दाल को बिना छिलके वाली जो है भिगो रखी है, उसको भी मैं अब ग्राइंड कर लूँगी। सो दोनों दालें मैंने ग्राइंड कर ली हैं अभी। तो सारी तैयारियां थोड़ी थोड़ी मेरी इकट्ठी चलती हैं। ये जो धुली अपनी माँ की दाल है बिना छिलके वाली, इसको मैंने बिल्कुल मिनिमम पानी 2 स्पून डाल करके ग्राइंड किया है, क्योंकि भल्ले बनेंगे तो पानी तो उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर भल्ले बनेंगे तो शादी जैसे जो है कोशिश करूँगी बनाने की मीठी वाली चटनी, खट्टी मीठी सी चटनी होती ना इमली और खजूर की। तो खजूर का पैकेट मेरे पास पड़ रखा था, तो लास्ट मोमेंट पे सोचा कि इसको भी यूज़ कर लेते हैं। सो इमली और खजूर को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और फिर इनको ना दोनों चीज़ों को, जैसे इमली को मैश करके उसका जो है बीज अलग करके, इनको मैंने कर लिया है ग्राइंड अच्छे से, मतलब बिल्कुल पानी जैसा इनका जो है वो मिक्सचर तैयार कर लिया है। और अभी जो प्लेट दिखी आपको, ये थी जो मैंने ग्राइंड की थी ना धुली मूँग की दाल, है ना, उसमें उसके बनेंगे मंगौड़े, मतलब जैसे पकौड़े होते हैं ना बेसन के, ये होते हैं मूंग दाल के मंगौड़े। तो होप आप सबने भी बना रखे हैं पहले से, मैंने इनको फर्स्ट टाइम बनाया आज, है ना। तो उसकी जो सब्जियां थी, सब्जियों के नाम पे उसमें सिर्फ प्याज है, हरी मिर्च है, और मेरे पास धनिया भी नहीं था हरी वाली, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी ना मेथी के पत्ते डाल लिए, फ्रेश मेथी थी तो उसके पत्ते डाल लिए हैं। अदरवाइज़ मेरा मन था कि इसमें पालक धनिया खूब सारा डाल करके जो ना हरे हरे कलर के इसके मैं मंगौड़े बनाऊंगी, लेकिन जो अवेलेबल था उसके से साथ मैंने जो है चीज़ें बना ली हैं। तो चलिए, चटनी का सारा मेरा जो है वो पानी तैयार हो गया है। इसमें क्या डाला मैंने, इसमें मैंने डाली है इमली और साथ साथ में खजूर सिर्फ। और चलिए, भल्ले बनाने से पहले मैं इसको तड़के में डाल दूँगी। तो भुना जीरा चाहिए था, वो भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने ज़रा सा घी लेकर के उसमें साबुत सौंफ जो होती है मीठी सौंफ डाली है थोड़ी सी, और चटनी का पूरा पानी इसमें डाल दिया है। सो दैट बाय द टाइम मैं भल्ले बनाऊंगी तब तक ये अच्छी सी कड़ जाएगी, अच्छे इसमें उबाल आ जाएंगे 5-7। का सारा अभी काम हो गया ना, तो सोचा पहले उसकी जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, बर्तन यूज़ हुए, उनको उठा करके रख देती हूँ साइड में। और यहाँ पे हींग थोड़ी सी भिगो के रखी है, ये बहुत ही ना देसी वाली हींग है। सो भिगो के रखते हैं ना तो इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है ना। और ये जो है मेरे पास थोड़ा थोड़ा जो इमली का पल्प बचा है या थोड़ी खजूर बची है, इनको मैं फ्रिज में रख रही हूँ अभी ऐसे ही। और जैसे आपने देखा कि बहुत देर पहले मैंने ये ग्राइंड कर ली है धुली अपनी माँ की दाल, लेकिन लगातार तो मैं इसको नहीं कर पाती हूँ ना, लाइक फेंट नहीं पा रही हूँ मैं, लगातार इसको विस्क नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बाजू ना थक जाती है। तो जब भी टाइम मिल रहा है ना बीच में, तीन चार मिनट के बाद जो है मैं इसको 2-3 मिनट के लिए विस्क कर लेती हूँ, सो दैट टोटल टाइमिंग जो विस्क का है ना वो टोटल 15 मिनट कम से कम हो जाए। इसको लाइक कढ़ाई में डालने से कम 15 मिनट तक इसको जो है मैं जो है अच्छे से विस्क कर पाऊँ, तभी इसमें अच्छी एयर बनेगी और तभी जो होगा अच्छे हमारे फ्लफी से, नरम से, सॉफ्ट से बिल्कुल भल्ले बनेंगे।
सो बस यहाँ पे काउंटर थोड़ा सा खाली करने के बाद जो है मैंने भल्ले बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा जो है होल करके इनकी शेप बनाऊंगी, लेकिन एक आधा बनाने लगी तो फिर मेरा मन किया कि चलो आज ऐसे ही बना लेते हैं, अदरवाइज ऐसे कोई बड़ा शेप बनाने का मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सोचा कि चलो बनते हैं तो ऐसे ही बना लेते हैं आज। तो बस एक साइड में मेरी अभी जो है कर रही है कढ़ाई में चटनी, और मेरी मंगौड़े की तैयारी है, और इधर मेरी भल्ले की तैयारी है। सो एक्चुअली प्रोग्राम ये है कि लंच में तो दाल चावल खाएंगे 2 बजे, जब अली सब आएंगे बच्चे और मैं, और साथ साथ में ये रहेगा प्रोग्राम मैच के दौरान हमारे स्नैक्स पार्टी का। तो इसलिए सोचा था आज बहुत दिनों के बाद जो है आज एक नॉर्मल वाला संडे बिता रहे थे, बीच में दिवाली आई, बीच में बाकी सारे फेस्टिवल्स आए, स्कूल के प्रोग्राम्स आए, और कभी कभी तो ऐसा रहा कि 3-4 लगातार हॉलीडेज ऐसी आती थी बीच बीच में कि एक भी दिन हम घर में नहीं रुके, आपको पता ही है। तो इसलिए आज रिलैक्सिंग सा संडे है, और सफाइयाँ वगैरह कपड़े वगैरह सुबह ही कर लिए थे, तो इसलिए सोचा कि थोड़े से आज स्नैक्स बना लेते हैं। ये वही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में रहती हैं, लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान बनाने का टाइम नहीं मिलता है इनको, तो इसलिए सोचा कि आज बना के बच्चों को मैं देती हूँ। भल्लों के जो है 2 लॉट मैंने निकाल लिए हैं, और 10 मिनट में अच्छा कलर जो है वो चटनी का भी आ गया है, क्योंकि पहले ना मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था चटनी का, क्योंकि वो ना खजूर की जो झाग झाग होती ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। सो 10 मिनट के बाद अच्छा खासा इसका कलर आ गया है। अब इसमें थोड़े से मसाले जो इसमें डलेंगे चटपटा बनाने के लिए, थोड़ा सा वो डाल दिया है, धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा गर्म मसाला है, थोड़ा सा इसमें नमक डाला है मैंने, और उसके साथ साथ थोड़ी सी शक्कर भी डालूंगी अभी, है ना। और एज सच मैं कोई मेजरमेंट तो होती नहीं चटनी की, सो बाद में बनने के बाद टेस्ट करना ही पड़ता है कि भाई क्या कम ज़्यादा रह गया है ना अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसलिए इतना मैंने डाल दिया है, और अगर मुझे खट्टा लगा अभी तो या तो मैं इमली और डाल दूंगी करते करते ही, या फिर थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि इमली के साथ काली मिर्च जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ख़राब करती है। सो ये जो धनिया अभी मैं बाद में भूनने लगी हूँ ना, साबुत धनिया, इसको मुझे पहले भूनना चाहिए था, लेकिन बस मैं इसको अवॉइड करी जा रही थी, पीछे रखी जा रही थी इस काम को। सो चटनी में जहाँ मैंने सौंफ डाली थी ना तड़के में, वहाँ पे जीरा डालना या भुना हुआ जीरा डालना जो बहुत ज़्यादा मस्त है। सो अब मैंने जा कर के भल्ले भी बन गए, चटनी भी बन गई, अब मेरे को टाइम मिला है इसको जो है वो मीन्स लाइक पाउडर बनाने का इसका, और पहले उससे भूनने का। तो 2 चीज़ें बनने के बाद अब आ गई है बारी मूंग दाल की, जो कि मैंने ग्राइंड करके ऑलरेडी रखी हुई थी। मैंने ये सोचा था कि जब भी बनाऊंगी मैं इसको मंगौड़े, तभी जो मैं इसमें मसाले डालूंगी, वरना क्या होता है नमक वगैरह पहले डाल दो ना तो जो मूंग दाल होती है पिसी हुई वो बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है। इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे लाइक फ्राई करने से पहले मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। सो बस वही बेसिक सी चीज़ें हैं, धनिया पाउडर और अपना अमचूर पाउडर, गरम मसाला है, नमक है, काली मिर्च का पाउडर है ना। और यहाँ पे जो मिस कर रही हूँ मैं वो है चाट मसाला, अगर होता तो आज हर चीज़ में डलता, भल्लों को छोड़ कर के चटनी में भी डलता, मंगौड़े में भी डलता है ना, लेकिन अभी जो है वो यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, अमचूर है, गरम मसाला है, थोड़ी थोड़ी वही चीज़ें हैं। अब मैंने साथ साथ इसमें जैसे आपको बताया फ्रेश मेथी लीव्स हैं इसमें, साथ में प्याज है, और साथ में हरी मिर्ची है, और हरी मिर्ची थोड़ी सी कटी हुई रख ली है, जब मैं दही भल्ले का दही बनाऊंगी ना उस टाइम पे वो वाली हरी मिर्ची मैं यूज़ करूंगी। सो अच्छे से मिक्स देने के बाद अब बारी है और जो है कुछ मैं काम करूं और चीज़ इम्पॉर्टेंट वाली मैं ना भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हल्दी मैं इसमें डालना भूल गई थी, तो लास्ट में हल्दी भी डाल दी है। सो बस पकौड़े जैसे शेप के सुंदर सुंदर छोटे छोटे मंगौड़े रेडी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी ये मंगौड़े, मन बहुत बार किया, लेकिन मैंने ना मूंग दाल को कभी ऐसे यूज़ ही नहीं किया स्नैक्स के तौर पे, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के साथ हम स्नैक्स बना सकते हैं।
तो बस सोचा कि आज जो है इनका भी श्री गणेश कर ही लेते हैं। और बहुत जल्दी बन रहे थे, मीन्स पकौड़े से भी कम टाइम फ्राई टाइम इन्होंने लिया और बहुत जल्दी बन कर ये तैयार हो गए थे। सो फ्राइंग होते होते अब जो है साइड बाय साइड गर्म पानी में मैंने भल्लों को डाल दिया और इस पानी में सिर्फ मैंने नमक डाला है और जो हींग थी वो ऑलरेडी मैं भल्लों वाली दाल में पहले से ही डाल चुकी हूँ, तो बस नमक वाले पानी में डाल दिया है। और जैसे पहले भी मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था कि 3-4 पानी बदलना मतलब बेसिक चीज़ है भल्लों को सॉफ्ट बनाने के लिए, तो बस अभी एक बार मैंने अभी गर्म पानी में डाल दिया, फिर इनको निचोड़ करके फिर से मैंने एक बार इसको ठंडे पानी में डाल दिया था और उसके बाद एक बार फिर 10 मिनट रखने के बाद फिर मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था। सो इस तरह से मैंने 3 बार इनका पानी बदल लिया था। तो यहाँ पर हमारा कलर देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है मेरे मंगौड़ों का मतलब मुझे सच में इन पर प्यार ही आ रहा था आज। तो स्वीट सुंदर सुंदर स्वीट तो नहीं बोलूँगी, नमकीन है, चटपटे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है वो मुझे लगे, क्योंकि जब मैं पहली बार चीज़ बनाता है ना बंदा और मैं खासकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती कि मेरे से बनेंगे या नहीं बनेंगे, और जब वही काम हमसे हो जाता है ना अच्छे से तो फिर कितनी खुशी होती है ना। तो आज मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था। और अभी 2 बज चुके हैं, साथ में कुकर पड़ा है, इसमें ऑलरेडी राइस बन चुके हैं। सो मेरा मन था कि मैं 3-4 बजे ये चीज़ें तैयार करूँगी, लेकिन बच्चों ने बोला कि मम्मा जो करना है पहले ही कर लो, 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सामान मैंने पहले ही तैयार कर लिया। ठंडी हो गई हमारी चटनी और इसमें आ गया है भुना हुआ जीरा। भल्लों को अब मैंने यहाँ पे दूसरे पानी में रखा और सॉफ्टनेस देखिए भल्लों की, कि बस हाथ लगाया कि और टूटे, इतने सॉफ्ट हो गए और कलर देखो कैसे चेंज हुआ है उनका, और आज शेप तो सुंदर है ही, और मंगौड़े भी देखिए कितने सज रहे हैं, जच रहे हैं साथ में। सो चलिए इंडियन टीम को बेस्ट विशेस रहेंगी हमारी तरफ से, और होप रात को फिर से एक बार दिवाली जैसा सीन्स बने, दिवाली सेलिब्रेट हो पूरे इंडिया में। तो ब्लू आर्मी जो है वो स्टेडियम में चीयर अप कर रही है और हम लोग आप लोग जो है सारे घर से ही अपनी कंट्री के लिए चीयर अप कर रहे हैं। सो साथ साथ हमने जो है बच्चों के लिए स्नैक्स भी बना दिए हैं ताकि थोड़ा सा माहौल क्रिएट हो जाए, है ना। स्टेडियम में तो नहीं बैठ पाएंगे सारे, लेकिन घर में ही हम उस माहौल में बैठ सकते हैं, अपने बच्चों को वो जो है वो एनवायरनमेंट दे सकते हैं, सो दैट वो भी खुश होकर अपनी कंट्री के लिए चीयर अप कर पाए। सो बस अभी जो है परोस देते हैं बच्चों के लिए, और अराउंड 3:15 का भी टाइम हो रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि 2-3 विकेट्स फटाफट जो है इंडिया की जो है वो आउट हो गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी पूरा मैच बाकी है, और क्रिकेट का तो ऐसा होता है ना कि वो पूरे लास्ट मोमेंट तक जो है वो ना पूरा मैच चलता है। तो चलिए वेट करते हैं और बच्चों को जो है परोसते हैं स्नैक्स। सो भल्लों को परोसने से पहले मैंने क्या किया है, दही जो था ना वो अच्छे से फेंट लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से विस्क कर लिया है उसको, और बिल्कुल थोड़ी सी ना मैंने चीनी डालकर रख दिया था, मतलब बिल्कुल नामामूली सा उसमें ना मिठास आ जाएगी दही में, जो कि दही भल्ले में अच्छा लगता है। सो बस 4-4, 5-5 भल्ले रख के आज जो है जैसे शादी में होती है ना दही भल्ले की प्लेट, वैसे ही सजा रही हूँ बच्चों के लिए। थोड़ा सा नमक डाला है दही के ऊपर, यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी इसमें, तो होना तो चाहिए था थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी, कलर अच्छा आता है उससे ना भल्लों का, लेकिन वो मैंने ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे गरम मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा सबसे इम्पॉर्टेंट है दही के साथ, और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, ऊपर से आ गई हमारी जो खजूर और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाई थी, तो टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे एक्स्ट्रा अमचूर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सो बच्चों को भी टेस्ट करवाया था तो अच्छा था। और साथ में मंगौड़े आ गए हैं, और साथ में मंगौड़े के साथ जो है अपनी सॉस, जो अपनी नॉर्मल वाली सॉस होती है ना टोमेटो केचप वाली, वो वाली सॉस। तो बस बच्चे मैच एंजॉय कर रहे हैं। खुशी में आज बच्चों को स्नैक्स पार्टी।
तीन विकेट आउट हो चुके हैं और काफ़ी टेंशन में हम, और जैसे वो कमेंटेटर भी बोल रहे थे ना कि आज खाना नहीं बन रहा, तो अभी तक हमने भी कोई खाना नहीं बनाया, सिर्फ मैच ही देख रहे हैं। पौने आठ ऑलरेडी हो चुके हैं और हम यहाँ डटे हुए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। हालांकि आई लव इंडिया, बट जो आसार नजर आ रहे हैं आसार तो भी देखो 50-50% के ही है ना, क्योंकि दोनों साइड से काफी टफ है कंपटीशन, लेकिन फिर भी हम तो लास्ट मोमेंट सबसे पहले मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के ओवर हो चुके हैं, 5-5 ओवर हो चुके हैं। अभी मोहम्मद सिराज और स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा ठोकेंगे क्योंकि ड्यू अभी वहां हुई नहीं है, तो ड्यू देखते हैं अगर होती है तो क्या होता है और ड्यू नहीं होती तो क्या होता है। तो स्पिनर के लिए फेवरेबल ये है कि गेंद जो है वो ओल्ड होनी चाहिए, गेंद पुरानी होनी चाहिए, गेंद घिसनी चाहिए बेसिकली, इसलिए स्पिनर को हेल्प मिलती है। तो अब अगर ड्यू आ जाएगी तो वो हेल्प कहाँ तक, ड्यू में थोड़ा पेस निकलती है, स्पिन नहीं होती गेंद, तो अब देखते हैं ड्यू निकलती है नहीं निकलती। टाइम तो बहुत हो गया है, अहमदाबाद है हमारे, हम इधर जो हम पूरे नॉर्थ में हैं यहाँ तो ड्यू पूरी है, बाहर अगर निकल के देखें तो ड्यू पूरी है, तो वहाँ क्या होता है नहीं होता है, लेट अस सी। चलो लेट अस होप कि सिर्फ इंडिया ही जीते है ना, तो सिर्फ इंडिया, यस सिर्फ इंडिया ही जीते है ना, हम तो ऐसे होप करेंगे। जय भारत जय। सो फाइनली अब 8:30 हमने डिसाइड किया है कि अब थोड़ी होप कम लग रही है, तो अब हम बना रहे हैं पोहा। सो क्विक वाला डिनर आज होने वाला है, पोहा और चाय का। इधर चाय तैयार हो रही है हमारी। पोहा चाय तुम्हारे बन गए हैं, बस खाने की देरी है और थोड़ा सा अब जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, शायद लग रहा है कि मैच जो है हाथ से निकल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैच है, कंपटीशन है, हार जीत तो चलती ही रहती है, लेकिन फिर भी एक बात होती है कि ऐसा कोई भी मौका आता है ना, तो जैसे हम पूरी ना, जैसे सारे लोग होते हैं ना, कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब सबको ना लाइक एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ ऐसी होती है ना, ये वाली चीज़ होती है सबको जोड़ देती है, तो वो अच्छा लगता है, हम भी अपनी कंट्री के लिए चीयर करते हैं, तो वो फीलिंग जो होती है ना वो दोबारा से जाग जाती है, तो वो फीलिंग जागना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने देखा कि डे भी हमने अच्छे से स्पेंड किया, थोड़े 3-4 घंटे लास्ट के जो है फैमिली हम इकट्ठे भी बैठे, थोड़े से स्नैक्स भी बन गए, सो इट वॉज़ नाइस संडे आफ्टर अ लॉन्ग 2 मंथ्स। चलिए देखते हैं, अभी भी होप है पूरी, लेकिन जैसा भी रहेगा आप आपको पता चल ही जाएगा, आप सब भी मैच देख ही रहे होंगे। तो सचमुच इस टाइम मन कर रहा था कि यहाँ पे येलो जर्सियों की जगह अगर ब्लू कलर की जर्सियाँ दिखती ना तो कितना ही अच्छा लगता, तो बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा हैवीली लिया, बहुत डीप बच्चों के हार्ट पे असर किया, लेकिन हम बड़े हैं, हम तो समझते हैं कि भाई जो गेम होती है वो गेम ही होती है। सो गेम इज़ गेम, हार जीत तो चलती रहती है, मतलब ये है कि अपनी कंट्री के साथ खड़े रहने का, हार में भी जीत में भी, और जब कोई हार जाता है अपना तब तो और भी ज़रूरत होती है उसको उसकी सपोर्ट में खड़े रहने की। सो ऑलवेज विद माई कंट्री, गेम है, क्रिकेट थोड़ी इमोशंस के साथ जुड़ी है इसलिए थोड़ा दुख लगता है, अदरवाइज सब चलता है। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, सो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो।